ओम शांति। 17/6/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत जो पिया के साथ है, ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहां भी हो, साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा पाम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह पामी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम पामी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, सत्युग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है, है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है, इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना, कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं। पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते, तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए, यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना, सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सत्ययुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं।
फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद भगवानुवाच कहा जाता है ना, अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए? विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह ना सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब्स लेकर जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मुसलों की लड़ाई लगी राइट बात, अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर यह क्या किया? अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चे आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ हो रहता है, तुमको क्या कंठ करना है? बाप को तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी
डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घरवार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं, बाप ने यह भी समझाया है मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट शूद्र ग्रेट वैश्य ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरांदेश का ज्ञान, दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, यह पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा, कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देता है, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं, सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाड़ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो, तुम्हें कहा जाता है कि कीड़ों को लेकर आओ बैठ भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई तो पंख आ जाते हैं कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं, तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रत्न तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।